नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के अगले पार्ट की ओर चलते हैं। इसके पहले हम एक वीडियो इंट्रोडक्शन का दे दिया हूँ, उसमें हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, उसके विषय में हम चर्चा किए हैं। इसमें हम संविधान से चलते हैं। संविधान क्या है, यहाँ हेडिंग दिया गया है संविधान क्या है। तो संविधान होता क्या है? संविधान वह कागज़ का दस्तावेज, वह कागज़ का लिखित दस्तावेज जिसमें नियम, सिद्धांत, उपनियम का वर्णन हो, यानी कि लिखित संग्रह हो, उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान उसे कहते हैं, जैसे क्या हो, नियम का, नियम सिद्धांत, उपनियम, आदि का संग्रह हो, इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम संविधान कहेंगे। अब बात आती है कि संविधान कितने प्रकार की होती हैं। तो संविधान कितने, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है? वह संविधान जिसमें क्या हो कि नियम कानून ये सब क्या हो, लिखित रूप में वर्णित हो। और अलिखित संविधान में क्या होता है? ऐसा कानून जिसको लिखा न गया हो, उसे क्या, परंपरा के अनुसार, रूढ़िवादिता के अनुसार और चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। तो इसके दो पार्ट कहते हैं संविधान के, फर्स्ट पार्ट क्या है, लिखित संविधान, लिखित संविधान। और सेकेंड पार्ट में क्या होता है, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। अब बात आती है लिखित संविधान क्या होता है। लिखित संविधान में क्या होता है, सभी कानून, नियम कानून क्या होते हैं, लिखित रूप से चलते हैं। इसमें क्या होते हैं, लिखित रूप से चलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें अलिखित रूप से चलता है। और फिर क्या होता है, इसमें रूढ़िवादिता होता है, इसमें रूढ़िवादिता होता है। रूढ़िवादिता कहने का मतलब क्या होता है, किसे क्या होता है, किसी चोरी का दंड क्या है, 6 महीना जेल जैसे होता है। जैसे कोई यदि छोटा वस्तु चुराए या बड़ा वस्तु चुराए, उससे क्या होता है कि जेल ही भेजा जाता है, 6 महीने का जेल ही होता है। इसमें क्या होता है, रूढ़िवादिता होता है। यहाँ रूढ़िवादिता, जैसे यहाँ का संविधान अलिखित संविधान कौन सा है, अलिखित संविधान जैसे में हो जाएगा, जैसे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित संविधान है। और लिखित संविधान में आता क्या है कि सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखित संविधान, ये कहाँ का, सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का है? तो सबसे पहले लिखित संविधान फिलाडेल्फिया का है। फिलाडेल्फिया का ये क्या है, सबसे पहले यहाँ का लिखित संविधान आया था। ये जो फिलाडेल्फिया है, ये सबसे पहले लिखित संविधान यहाँ का बना था। उसके बाद में दूसरा हेडिंग क्या आता है, दूसरा पॉइंट क्या आता है कि एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान क्या होता है, एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का है? तो एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान जापान, जापान, जापान क्या है, एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान है। वही जापान जो अमेरिका का पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति पर, तो वही जापान है। यहाँ का क्या है, सबसे पहले लिखित संविधान बनाया गया था। कहाँ का, एशिया का। अब बात आती है कि सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है,
सबसे बड़ा संविधान, तो सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? ये कहाँ का है? अपने भारत का है। भारत का क्या है? सबसे बड़ा संविधान है। इसके विषय में हम अभी और चर्चा करते हैं कि भारत का संविधान कैसे सबसे बड़ा है, इसके विषय में आगे चर्चा करते हैं। सबसे इसको क्या करते हैं? क्लीन अप करते हैं। इसके विषय में इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान कैसे है। इसके विषय में आगे और एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहाँ बेसिक रूप से थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान कैसे है। तो यहाँ देखिए, भारत में क्या है, भारत के संविधान में क्या है? अनुच्छेद कितना, मूल संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। और क्या है, अब कितने हैं? अब कितने हैं? 467 के करीब में है। इसको, इस डाटा को ध्यान रखिएगा। पहले मूल संविधान में 395 थे, अब कितने हैं? 467 हैं। और क्या है, इसमें भाग कितने हैं? भाग 22 भाग हैं। क्या है, अनुच्छेद 395 मूल संविधान में थे, अब कितने हैं? 467 हैं, भाग 22 भाग हैं। इस प्रकार से क्या है, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। और इसके विषय में आगे अभी और एक्सप्लेन करेंगे। तो अब इसको रफ करते हैं, अब इसके आगे पार्ट की ओर चलते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है आगे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, यदि पूछ लिया गया कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, यानी कि किस सभा से हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? संविधान सभा के द्वारा किया गया है। यदि पूछ लिया गया संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया से किया गया है, तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का सभा बनाया गया होगा। उस सभा में क्या होगा कि संविधान सभा का निर्माण किया गया है, यानी कि संविधान का निर्माण किया गया है। तो इसको भी देख लीजिएगा। अब फिर आगे आगे प्रक्रिया में हम चलते हैं। ये तो संविधान का निर्माण के विषय में हो गया। अब आते हैं संविधान की मांग। संविधान की मांग, यानी कि संविधान की मांग किसने की, सर्वप्रथम किसने की, सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया और कहाँ किया गया, इसके विषय में हम देते हैं। तो जो संविधान का था, सबसे पहले दिमाग में आया सबसे पहले किसके दिमाग में आया, फिर क्या आएगा? किसने साकार रूप दिया और क्या हुआ? कब कब मांग की गई? सबसे पहले किसने दिया, फिर साकार रूप किसने दिया, कब कब मांग की गई? तो सबसे पहले किसके? इंग्लैंड के हेनरी मैन के दिमाग में आया। सर्वप्रथम हेनरी मैन के दिमाग में आया, याद लिखते हैं। इंग्लैंड के एक हेनरी मैन थे। हेनरी मैन के क्या हुआ, दिमाग में आया। और फिर साकार रूप किसने दिया? यूएसए प्लस फ्रांस।
यूएसए एंड फ्रांस ने क्या दिया, इसका साकार रूप दे दिया गया। और फिर मांग कब कब की गई, तो मांग के विषय में हम चलते हैं, तब से इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अब बात आती है कि मांग कब कब की गई, संविधान की मांग कब कब की गई, इसको रख करते हैं, यहाँ लिखते हैं मांग। अब मांग में क्या होता है, सबसे पहले किस, तो 1895 में, एक बार बता देते हैं फिर लिखते हैं, 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई। फिर नेक्स्ट 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान की मांग किया गया। फिर 1924 ईस्वी में नेहरू जी के द्वारा संविधान की मांग किया गया। फिर 1925 ईस्वी में दिल्ली में संविधान की मांग की गई। फिर 1928 में पुनः नेहरू के द्वारा संविधान की मांग की गई। फिर 1934 में क्या किया गया कि 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय जी के द्वारा संविधान सभा की क्या हुई, मांग की गई। फिर पुनः आगे क्या, 1937 ईस्वी में क्या हुआ कि पल लिख देते हैं, और इसमें क्या हुआ, स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई। फिर क्या हुआ, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी, फिर पुनः 1924 में नेहरू के द्वारा, पुनः 1925 में दिल्ली में मांग किया गया, पुनः 1928 ईस्वी में क्या किया गया, नेहरू के द्वारा मांग की गई। फिर आगे 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय, फिर 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में क्या किया गया, मांग किया गया। आगे देखने पर क्या हुआ, 1945 ईस्वी में बेवल योजना आती है, योजना के अंतर्गत मांग उठाई गई। फिर 1946 ईस्वी में इसे क्या किया गया, साकार रूप दे दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये था संविधान का मांग कब कब की गई। पहले याद रखिए, संविधान की मांग 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांग की गई। फिर आगे 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। फिर 1924 में नेहरू जी के द्वारा। फिर 1925 ईस्वी में और दिल्ली में मांग की गई संविधान की। फिर पुनः नेहरू के द्वारा 1928 ईस्वी में। फिर 28 के बाद में 34 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा। फिर 40 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। फिर 1945 ईस्वी में बेवल योजना के अंतर्गत इसकी मांग की गई। फिर 46 में इसे साकार रूप दे दिया गया, जिसे कहते हैं, जिसे कैबिनेट मिशन के द्वारा इसे कहते हैं। अब मेरे जाने का समय हो गया है, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इसके अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो भी वीडियो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके विषय में क्या करेंगे, कैबिनेट मिशन के विषय में हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।